1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? राज्यसभा टीवी का ये विशेष आयोजन खासतौर पर संसद भवन के इस विशेष सभागार में हो रहा है, जहां पर हमारे साथ सभागार में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, राज्यसभा के सेक्रेटरी डॉक्टर डीबी सिंह, इनके अलावा फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, राज्यसभा टीवी के सीईओ और फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सप्पल। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश का ट्रेलर जब संसद भवन में रिलीज हुआ तो हवाओं में एक अलग ही उत्साह था। देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे, उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है भुला भाई। ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। लेफ्टिनेंट गवाक सिंह डिलन। ट्रेलर ने देश भर में देश के इतिहास और आजादी की लड़ाई में दिलचस्पी रखने वालों में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार किया। आजाद हिंद फौज के एक जाबाज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन की बेटी अमृता मेहरोत्रा ने भी फिल्म का यह ट्रेलर देखा। ग्वालियर में रह रही अमृता मेहरोत्रा ने हमें ये पत्र लिखा। फिल्म राग देश का ट्रेलर देखकर मैं आत्मनिर्भर हो गई। हमारे देश की स्वतंत्रता के 70 वर्ष उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विदेशी भूमि पर संगठित आजाद हिंद फौज द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए अद्वितीय संग्राम की सत्य कहानी राष्ट्र के समक्ष आ रही है। आजाद हिंद फौज में हजारों जवानों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगर नेताजी की यह उत्कृष्ट फौज न होती तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने में जल्दी न की होती। मैं हृदय से आभारी हूँ श्री तिग्मांशु धूलिया जी एवं उनकी समस्त टीम का तथा राज्यसभा टीवी के श्री गुरदीप सिंह जी का, जिन्होंने आईएनए की सत घटनाओं को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं व मेरा समस्त परिवार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस अनुपम प्रस्तुति को अपार सफलता प्राप्त हो। जय हिंद। फिल्म राग देश में गुरबख्श सिंह ढिल्लन का किरदार निभा रहे हैं जाने माने अभिनेता अमित साध। और जी और कुछ नहीं हो सकता, उसे बहुत आगे निकला है। गुफ्तगू के इस खास एपिसोड में हमारे साथ शाहनवाज खान बने कुणाल कपूर, कर्नल प्रेम सहगल बने मोहित मारवा और फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने अपने अनुभव साझा किए हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में
आज हमारे साथ तीन बेहद ख़ास मेहमान जिनके साथ हम बातें करेंगे राज्यसभा टीवी द्वारा बनाई फिल्म राग देश के बारे में। हमारे साथ फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया हैं, नमस्कार। और हमारे साथ प्रेम सहगल का रोल कर रहे मोहित मारवा हैं और शाहनवाज का रोल कर रहे कुणाल कपूर हैं और बीच बीच में अमित साध को आप देखेंगे इस प्रोग्राम के बीच में, जो हम टुकड़े आपको दिखाएंगे उसमें। बातचीत शुरू करते हैं तिग्मांशु आपके साथ कि करीब 75 साल पहले हुई कुछ घटनाओं पर आपने ये जो फिल्म बनाई है उसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उन्हें क्यों देखना चाहिए। उन्हें इसलिए देखना चाहिए कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए जी। एक तो इसलिए देखनी चाहिए कि मैंने कोशिश ये की कि इतिहास एक ऐसी चीज़ होती है, कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि अरे हिस्ट्री कि, तो हिस्ट्री को एक एंटरटेनिंग और एक इंगेजिंग ढंग से दिखाया गया है तो बोर नहीं होने वाले लोग, और उनको ज़रूर ये लगेगा कि हमें इस इतिहास के इस पन्ने के बारे में क्यों नहीं पहले से पता था। और जब वो लोगों को पता चलेगा कि हमको आज़ादी इवेंचुअली कैसे मिली, तो उन लोगों को लगेगा तो उनको थोड़ी और विजडम मिली है ज़िंदगी में। जैसे बाकी फिल्मों को देखे एंटरटेन होते हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग हंसते हैं, कई लोग थिएटर के बाहर जाके फिल्म को भूल जाते हैं, डिनर खा के कोई बात नहीं करता, इस फिल्म के ऊपर बात करेंगे लोग। और अगर मोहित आपसे पूछेंगे, क्योंकि फिल्मकार के लिए तो ये बहुत आसान है इस बारे में कन्विंसिंगली बात करना, क्योंकि वो उसकी पूरी राइटिंग से लेकर रिसर्च तक और पूरी मेकिंग में शुरू से इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक्टर तो कहीं बीच में एंट्री लेता है। जब आपने प्रेम सहगल का रोल के लिए रजामंदी अपनी जाहिर की, उससे पहले आप प्रेम सहगल के बारे में कुछ जानते थे? मैं एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, और तभी मेरे जब मैंने निक नरेशन सुनी और कैरेक्टर के बारे में रिसर्च किया तो वहीं से मेरी एक्साइटमेंट लेवल्स बहुत हाई होती चली गई, बिकॉज मेरे को कुछ भी नहीं पता था। और एक्चुअली मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ और हिस्ट्री में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट कभी रहा भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत रहा है वो थ्रू विजुअल मीडियम, थ्रू पिक्चरें देखकर, और यू नो, सो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने फिल्म और कैरेक्टर के बारे में जाना तो मैं इतना एक्साइट हो गया कि आई थॉट कि ये राइट डायरेक्शन है जाने के लिए, एंड दैट वाज इट। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर हम कैरेक्टर के अंदर घुसते चले गए सर से और डिटेल लेते चले गए, और यस, बाकी ट्राई टू पुट अ गुड कैरेक्टर आउट देयर। और कुणाल, अगर देखें कि इतिहास जैसे उसको कह सकते हैं कि एक बोरिंग विषय इतिहास को में फिल्म बनाना या उसमें काम करना, जिस तरह की फिल्मों में आप काम करते आए हैं उनमें इतिहास जैसे, और वो भी 75 साल पुरानी एक ऐसी कहानी पर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, जब आपने इसमें काम करने के बारे में सोचा तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको कन्विंस कर रही थी कि नहीं, इसे आपको करना ही चाहिए? जी, मुझे लगता नहीं एक्चुअली हिस्ट्री बोरिंग है। मुझे लगता है कि जिस तरह से दर्शाई गई है वो बोरिंग है। मुझे लगता है हमारे हिस्ट्री में इतनी कमाल की कहानियाँ हैं, और इसलिए आजकल एक दौर शुरू हो गया है कि बायोपिक्स बन रही हैं, क्योंकि लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर हिस्ट्री से उनके ऊपर कहानियाँ बना रहे हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा इतनी बढ़िया कहानियाँ हैं, लेकिन हमने कभी उनको सही तरीके से दर्शाया नहीं है। तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे तो एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। उसी समय मुझे थोड़ी शर्म भी आई, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी हिस्ट्री का इतना अहम हिस्सा है और ये इतना इंगेजिंग हिस्सा है और इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है, तो थोड़ी सी शर्म भी आई। लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती नहीं है और मेरे जो जनरेशन के लोग हैं उनकी भी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे हिस्ट्री में हमें ये पढ़ाया नहीं गया है, और ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हमारे इतिहास में मेरा मानना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन आर हिस्ट्री, जो रेड फोर्ट ट्रायल हुए थे और जो INA बना था और जो वॉर हुई थी, आई फील लाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर हिस्ट्री। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, एंड एट द सेम टाइम अ फिल्म दैट्स मेड बाय तिग्मांशु सर। ही इज़ मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग, वेरी एंटरटेनिंग, एंड या आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। और जब आप तिग्मांशु अपने एक्टरों को, खासतौर पर इन तीन जो आपके मुख्य किरदार हैं, उनको जब आप
काम करने के लिए कहते हैं, तो जो चीज़ें आप उन्हें समझाते हैं उनके अलावा क्या वो ना करें, उस सिलसिले में आपने क्या अपने इन तीन लोगों को, जिनको हिस्ट्री में बहुत एक पीरियड में पीछे जाकर अपने किरदारों को जीना था, क्या क्या ना करें, ये क्या आप उनको कैसे समझाते? क्या ना करें का मतलब ये होता है कि देखिए, डायरेक्टर को दुनिया दिखानी होती है, दुनिया क्रिएट करनी होती है, और ये 1940 के आसपास की दुनिया थी, तो अब उस दुनिया का हिस्सा लगें और थोड़ा कन्विंसिंग और जेन्युइन लगें। तो अब आप सिर्फ कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो मैं सिर्फ कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करूँगा कि आज की तारीख में पिछले कई सालों से कुछ हम लोग चीज़ें करते हैं जो 1940 में लोग नहीं करते होंगे, जैसे किसी बात पे ताली मार देना, हाई फाई करना, और मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जो पहले नहीं थे। फिर बाकी चीज़ें जो होती है कि वेशभूषा और पहनावा और चश्मे और जेस्चर्स, इन चीज़ों पे देखिए, ये समझदार एक्टर हैं दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, तभी मैंने इनको कास्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इन पर छोड़ ही दी थी कि ये लोग खुद समझेंगे। कुछ रेफरेंसेस फोटोग्राफ्स के काफ़ी बहुत सारे थे हमारे पास, वो दिखाए थे। तो बस ये देखना था कि ये लोग उस दुनिया का हिस्सा लगे, और अगर कभी कभी इस तरह के वो जेस्चर्स होते थे तो उनको थोड़ी बहुत नोक टोक करके कि भाई ये मत करना, बाकी तो कुछ नहीं। जो एक बार आपने कास्टिंग कर दी, अपने आपने एक्टर्स सही ढंग से का चुनाव कर लिया, तो फिर तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हम जब भी ऐसा मौका मिलता है कि आपको पीरियड फिल्म बनानी है, तो आप पीरियड कैसे दिखाते हैं? पीरियड आप दिखाते हैं कॉस्ट्यूम से, थोड़ा आर्ट वर्क से, है ना, आपके ग्लास, बल्ब, गाड़ी, पहनावा, ये सब एक पीरियड पे होता है। इस फिल्म में इन एक्टरों ने जो अचीव किया है कि अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, थ्रू परफॉर्मेंस वो पीरियड झलकता है। हाथ मिलाने के तरीके से, उठने बैठने के हाव भाव से, चाय का ग्लास उठाने से, गले लगाने से, ये जो चीज़ें हैं ना इस फिल्म में, ये अपने आप हो गई। इसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा, मैंने कहूँगा मेरा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट इन एक्टरों ने जो किया है, आपको इनके इनके एटीट्यूड से पीरियड झलकता है। आपको लगते हैं कमलजीत 1940 के 45 के वो फादर जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन तीनों को लेकर, अपना बेटा उनका प्रेम सहगल है, लेकिन कहता है तुम तीनों मेरे बेटे हो, और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, वो लगता है कि ये यार 1940 आज का शायद फादर अंदर से जो भी रोएगा, आज का भी रोएगा, लेकिन वो पीरियड परफॉर्मेंस से झलक रहा है। मैंने तो बहुत कम फिल्मों में देखा है ऐसा। तो ये इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय एक्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अगर मोहित आपसे पूछें कि एक बार जब आप हाँ कर देते हैं फिल्म के लिए, तो फिर आपके पास पीछे हटने का कोई बहुत मौका नहीं रहता, लेकिन क्या इस फिल्म के पूरे बनने के प्रोसेस में कभी कोई ऐसा मन में आया कि कहाँ फंस गए, बेकार में इस रोल के लिए हाँ कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे लगता है हम इतना सोच और समझ लेते हैं और इतना एनालिसिस कर लेते हैं एक कमिटमेंट करने से पहले, कि उसके बाद आप मेंटली और फिजिकली फिर आप उस पिक्चर के हो चुके होते हैं। तो ऐसा थॉट मुझे तो कभी नहीं आया। इनफैक्ट मेरे को हर दिन ऐसा लगता था कि एक सीन और हो जाए, और थैंक गॉड ये हम पिक्चर कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, और स्पेशली इस टाइम पे यू नो मेरे करियर में आई फील इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी टू डू अ फिल्म लाइक दिस। और अगर आप अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर हैंडल पर या व्हाट्सएप, फेसबुक पर आप इसे प्रमोट करना चाहेंगे, तो क्या कहकर अपने प्रशंसकों को बुलाएंगे कि वो इस फिल्म को देखने आए ज़रूर? हम मेरे ख्याल से it's a chapter of history, it's a part of history which is unknown to most of my generation at least. So it's a story which needs to be told. I think वो एक सही जरिया होगा social media पे इसको promote करने का। और कुणाल आप कैसे करेंगे इसको, अगर किसी को अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को कहना हो कि नहीं इस फिल्म को ज़रूर ही देखो, तो क्या इस फिल्म के पक्ष में आपकी क्या दलीलें देंगे? अच्छा, अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े तो मैं कहूँगा कि द हीरोज़ दैट यू नेवर हर्ड अबाउट, आई थिंक फॉर मी दैट्स व्हाट दिस स्टोरी वॉज ऑल्सो अबाउट, वॉज नॉट ओनली शाहनवाज, ढिल्लन, सहगल, बट भुला भाई देसाई, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सब हीरो थे। हीरो नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस के फिल्मी हीरो, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो एक्शन थे, हीरो वो होता है जो एक ऑर्डिनरी इंसान होता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, और मुझे लगता है कि ये कहानी में और उस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी चीज़ें की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी,
और मैं तो यही कहूँगा कि द हीरोज दैट यू नेवर हर्ड अबाउट। वाह क्या बात है। तिग्मांशु आप इन दोनों लोगों के इस बयान पर क्या कहेंगे कि ये इस तरह फिल्म को देखते हैं और इस तरह प्रमोट करना चाहिए? नहीं अच्छी बहुत, दोनों ने बहुत सही बात की। और जैसे मैं भी इस बात को थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि मैं भी बहुत सालों तक ये बोलता रहा कि देखो हमको देश में आज़ादी मिली है लेकिन हमने खून नहीं बहाया, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके हमको आज़ादी मिल गई, इसलिए हम लोग शायद आज़ादी का मतलब समझते नहीं। लेकिन ये शायद ये सच नहीं था। हमारे आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने और कितने लोगों ने कितने मर गए, खून बहाए इस आज़ादी के लिए। तो कम से कम आज की जनरेशन को ये बोलना पड़ेगा जो आप इस वक्त अपनी आज़ादी का जो मज़ा ले रहे हो, कम से कम पता तो करो कि वो आज़ादी मिली कैसे, तो तब इस खुशी का ज़्यादा मज़ा लोगे, इस खुशी को, इस आज़ादी को तुम ज़्यादा वैल्यू दोगे। और चूँकि इस कहानी को कहने के लिए आपके पास जो तरीके थे उसमें आपकी अपनी जो डायरेक्टोरियल विज़न और जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करने के क्या मौके कुछ कम थे? जैसे हम देखते हैं कि दो एक जगहों पर वो जादू दिखता है, मसलन एक मेज़ है जिस पर फाइलें रखी हुई हैं और फाइलों का वज़न इतना हो जाता है कि वो टूट जाती है, तो वो एक एक सूझ बात को इस तरह से कहने का है? या फिर हम नहीं, ऐसा हुआ था? हाँ ये सच में हुआ था, ट्रायल के वक्त हुआ था। वो मिनट्स में मैंने पढ़ा कि वो जितनी उनके पास प्रूफ थे वो इतने एक ही टेबल पे इतने रख दिए सबूत कि वो टेबल टूट गई। ट्रायल जब चालू हुआ कर चर चर भरा के पाके भी टूट गई। तो मुझे लगा कि ट्रायल शुरू होने के पहले ये अच्छा एक मोमेंट है कि वो फिर बोलते भी हैं आसफ अली साहब कि देखिए इतने भारी सबूत थे गिर गए। अच्छा फिर हम देखते हैं कि एक लड़ाई के दौरान एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड कहीं बीच में बज रहा है जिस पर एक कुंदनलाल सहगल का गाना बजाया जा रहा है, वो उसके पीछे क्या वजह है? अब वो मेरा अपना एज अ राइटर थॉट आया था कि अब वॉर सीक्वेंस है, देखिए एक बजट का भी एक कंस्ट्रेंट रहता है, सारी चीज़ का रहता है कि कैसे ढंग से एक आदमी गोली चला रहा, दूसरा आदमी खा रहा, फिर वो चला रहा, सामने वाला खा रहा, कितना दिखाओगे उसको आप? तो ये एक मेरी एक अपनी एक आर्टिस्टिक मैंने लिबर्टी ली कि मैं सडनली उनके पास गोलियां कम है और उनको एक दो बंकर्स हैं जहाँ से ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हो रही है, तो कैसे उड़ाएगा जब ऐसे ग्रेनेड फेंकने के लिए वो लोग उड़ते हैं, उन पर गोलियां चलती हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ग्रामोफोन बजवाता है कि बजा ग्रामोफोन। तो सडनली ग्रामोफोन बनता है, सन्नाटा जाता है दोनों तरफ से, फिर बंदूक के ग्रामोफोन की तरफ पैन हो जाती है, वहाँ पर फायर करने लगती है और इनको मौका मिल जाता है बंकर उड़ाने का। तो अब मेरा ये मैं करता हूँ, ये मेरी एक आदत है कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन में थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक खुआकी बना देना, थोड़ा सा अजीबोगरीब बना देना। ये मेरा सिग्नेचर है, मैं बहुत टाइम करता हूँ हर पिक्चर में किसी न किसी सीन में बहुत ही सीरियस बात चल रही है कि बहुत ही गंभीर और उस तरह की बात है और उसमें किसी ने कोई सी अजीब सी बात कर दी जिसको बोलते हैं ना ब्लैक कॉमेडी किस्म की चीज़, वो मैं करता हूँ, ये मेरा एक स्टाइल है। तो ये जो अजीब सी बात है कुणाल आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने फिल्म देखी है और मोहित शायद आपने नहीं देखी है, आपसे पूछते हैं क्योंकि इसमें दो एक जगहों पर वो जो टी हाउस है उसमें हम देखते हैं कि एक फिल्म का पोस्टर चार लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं, फिर एक जगह देखते हैं कि एक प्रतिमा नाम की फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। इसको आप जब फिल्म को, क्योंकि जब बन रही होती है तब तो आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जब फिल्म के बीच में वो आता है तो हिस्ट्री जैसे इस पूरे हलचल भरे वक्त में फिल्म के पोस्टर को दिखाने को आपने कैसे देखा? कैसे देखा मैंने, मतलब इतना उसके ऊपर गौर नहीं किया पोस्टर के ऊपर, लेकिन जैसा सर कह रहे थे कि मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी इसलिए क्योंकि दो, एक तो आप एक हिस्ट्री को दर्शा ही रहे हैं लेकिन वो हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे दर्शाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे जो सारे रिलेशनशिप्स हैं पिक्चर में वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत अलग हैं। तो मेरा जो मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप है वो एक संतरे को लेकर है, जो हमारी लड़ाई हो रही है और जो हम एक दूसरे से बात वापस करना शुरू करते हैं वो एक संतरे के ऊपर है। अमित का जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ वो मेरे रिलेशनशिप से बहुत अलग है, मोहित का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अलग है। तो मुझे लगता है बहुत अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग से, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई भी पिक्चर चलती है या कोई भी पिक्चर लोगों को अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। दूसरा जैसे तिशु सर ने कहा कि एक ह्यूमर सबसे बहुत सीरियस सिचुएशन में
एक ह्यूमर, जबरदस्ती का ह्यूमर नहीं लेकिन ह्यूमर जो जो एक सीन को इंटरेस्टिंग बनाता है. जैसे मुझे याद है हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जहाँ पर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करें कि नहीं करें, और मैं नहीं करना चाहता, अमित का जो कैरेक्टर है वो करना चाहता है. तो बहुत इन्फॉर्मेटिव सीन था और मैंने जब पढ़ा मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग के, जैसे लगता है अखबार है आपको इन्फॉर्मेट कर, कल सुबह 8 बजे उठना है, 8 बजे. अब ये कोई इसमें कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन है. हाँ तो कंटिन्यू. लेकिन सर ने उसे जिस तरह से कोरियोग्राफ किया, ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर था जो जो जाकिर का कैरेक्टर नाग, नाग वो उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग लिखा उसको और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से उसे कराया कि वो इन्फॉर्मेटिव सीन से लेकर एकदम एंटरटेनिंग सीन हो गया. तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन एट द सेम टाइम यू गेटिंग एंटरटेन्ड एज वेल, एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट सिनेमा. यू नो व्हेन यू गेट एंटरटेन्ड बट यू ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन एंड यू कम आउट ऑफ अ फिल्म एंड यू इन्जॉयड द फिल्म बट यू ऑल्सो लीव विद समथिंग. मुझे लगता है वो दोनों चीज़ों का मिश्रण एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाता है. वाह क्या बात. मोहित तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, यही कि ऐसे कई सीन थे जिनमें सर आके ऐसी छोटी सी दो तीन चीज़ें कह देते थे कि वो सीन्स में ऐसी लेयर्स ऐड हो जाती थी कि जब आप बाद में उसे मॉनिटर पे देखते थे तो आपको समझ आता था कि उस वक्त आपने डायरेक्शन लेके वो कर दिया पर फिर जब आपने बाद में देखा तो आपको समझ आया अच्छा इसमें ये भी ऐड हो गया. तो वो ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई सीन में, तो आई थिंक वो एक एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी. और दूसरी बात तिशु सर के बारे में कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो ये खुद आके सीन भी करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे करना है, और ऐसे दिखाने के लिए नहीं करते लेकिन जब समझा रहे होते हैं ऑटोमेटिकली एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं. तो अमित अक्सर कहता है, अमित साथ जो है, कि सबसे अच्छे परफॉर्मेंस उसकी होगी जो तिशु सर को सबसे ज़्यादा कॉपी करेगा. और हम समझते हैं हमारे दर्शक भी ये सब बातें सुनकर उनको बहुत जिज्ञासा हो रही होगी कि फिल्म आखिरकार बनकर कैसी आई है, और वो बहुत जल्दी इस फिल्म को देख पाएंगे. The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला. सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ. एक बार फिर तिग्मांशु आपके पास लौटते हैं कि जब ये नारा लगता है कि लाल किले से आई आवाज़ सहगल ढिल्लो शाहनवाज, तो क्या सचमुच उस ज़माने में जिस राजद्रोह के मुकदमे को ये तीन लोग फेस कर रहे थे तो देश में भी क्या इनको लेकर बहुत एक सिंपथी का, या कैसा माहौल कैसा था देश? बिल्कुल ऐसा ही माहौल था. क्या था उस वक्त कि ये सब शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई और अलाइड फोर्सेस अंग्रेज अमेरिका इनकी फोर्सेस जीत गए, तो जीत का इनको जो इनकी खुमारी थी इनके सर चढ़ के नाच रही थी अंग्रेज़ों के. उनको लगा था हम तो वर्ल्ड विनर्स हैं, और ये आने वाले इनका मन था कि लाल किले में अपना तिरंगा अपना झंडा फहराएंगे. तो बहुत सारी जेलों में हिंदुस्तान के आने वालों को रखा गया, तो जो लाल किले में रखे गए उन्होंने कहा ये लाल किले वालों को पहले इन तीनों पर ट्रायल करते हैं, ये तीनों ऑफिसर्स पे, प्रेम सहगल शाहनवाज और गुरबख्श ढिल्लो, और इसी लाल किले पे इनको फांसी लगाएंगे जहाँ पे अपना झंडा फहराना चाहते थे ना. अब इनके ऊपर अंग्रेज़ों क्या था एकदम जीत की लहर, दिमाग ख़राब हो गया था इनका, और यही उल्टा पड़ गया. इधर आने वाले एक्चुअली वॉर हार के आए थे और अंग्रेज़ों का ये डिसीजन कि इनको लाल किले पे इनका ट्रायल करेंगे और लाल किले पे इनको फांसी दी जाएगी, यही उल्टा पड़ गया. और तीन लोग अंग्रेज़ों ने जो इतने सालों से राज कर रहे थे ये नहीं समझ पाए कि एक उन्होंने हिंदू चुना, एक सिख चुना और एक मुसलमान चुना, जो हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी के तीन पिलर्स थे. और तो आप पूरे हिंदुस्तान को आपने कटघरे पे खड़ा कर दिया, तो पूरे हिंदुस्तान में एक रोष फैल गया. साउथ में भी, पूरे हिंदुस्तान में, मेरी मदर बताती हैं लाहौर, उसके बाद जब वो छूटने के बाद वो गई थी, लाहौर में रहती थी मदर, कि वो तीनों के तीनों लाहौर गए थे
और बहुत बड़ी, मतलब लाखों में लोग आए थे इन तीनों को देखने के लिए, और टेबल पे सिर्फ एक जग था और एक ग्लास था, और वो तीनों इसी एक ग्लास से पानी पी रहे थे। क्या सिम्बलाइज करता था ये हिंदुस्तान था। तो अगर इन तीनों को बाई चांस गलती से अंग्रेज कुछ इनको सजा वजा दे देते तो मार काट हो जाती हिंदुस्तान में, कोई अंग्रेज़ बचता नहीं जिंदा। और अंग्रेज़ को ये बात इन्होंने रियलाइज़ कर ली थी अपनी गलती की, कितनी बड़ी हमने गलती कर दी वाकई में। और पूरे सारे पार्टीज, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, तीनों ने मिलकर रैलियाँ निकालते थे, तीनों झंडे चलते थे एक साथ, पूरा देश एक हो गया था इनके मुद्दे को लेकर के। हाँ, तो मोहित आपसे पूछेंगे कि ये जो ख़ास तौर पर, क्योंकि काफ़ी रफ टेरेन में आपको ये दिखा रहा था कि जिन हालात में वो रह रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइस और बहुत स्ट्रगल और उनके अंदर वो एक डर भी, वो सब चीज़ों को करने में जो शूटिंग का जो प्रोसेस था वो क्या था? वो ये जो पार्ट था जिसके आप बात कर रहे हैं, ये हमने देहरादून में ज़्यादा शूट किया था। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि जब हम देहरादून पहुँचे उस सिटी के माहौल में, उसके वहाँ पे एक फ्लेवर ऐसा था कि यू नो कि हमने जो रिसर्च वर्क किया हुआ था वो सब उस शहर में पहुँच के इट जस्ट केम अलाइव, और वो फिर एक तरह से सब चीज़ें अपने आप होती चली गई। और यू नो मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा सोच नहीं डाली इसमें, बस अपने, मेरे को ऐसा लगा कि आपकी जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी वो आपने राइट एनवायरनमेंट में छोड़ दी, विद ऑब्वियसली द यू नो डायरेक्शन विच वॉज देयर टू गाइड अस, एंड आई थिंक फिर उसके बाद बस चीज़ें होती चली गई, एंड आई एम होपिंग दैट इट्स यू नो लुकिंग ऑथेंटिक। आई थिंक वही सब कह रहे हैं जिन्हें पिक्चर देखी है कि ऐसा लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है मुझे अभी शाम को ही जाना पड़ेगा पिक्चर देखने। कुणाल, आपको कोई एनेक्डोट शूटिंग के दौरान ऐसा याद आता हो जो हमारे लिए काम का होगा और एनरिचिंग होगा? एनेक्डोट बस यही, जैसे मैं कह रहा था पहले कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पिक्चर देखी है उन्होंने कहा है कि हमें लगा है कि तुम्हारा तीनों का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो आप तुम तीनों साथ में भी बैठे होते तो लगता है कि एक बॉन्ड है तीनों का। और वो इसलिए हुआ मुझे लगता है क्योंकि हमने बहुत समय साथ में बिताया, देहरादून में, बॉम्बे में जब शूटिंग हो रही थी, हम तीनों ने साथ में बहुत समय बिताया है और हम सच में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो आपका रिलेशनशिप ऑफ स्क्रीन है वो ऑन स्क्रीन झलकता है। मुझे लगता है ये पिक्चर के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस ज़माने में सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज तीनों के बीच में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और मुझे लगता है यही झलकता है पिक्चर में। तिग्मांशु, फिर इस मुकदमे के बाद की ज़िंदगी इन तीन लोगों की क्या रही होगी, ये क्या कहानियाँ क्या बताती हैं? वो तो बताती हूँ तो आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा मेरे कहने से क्या है। लेकिन ड्यूरिंग शूटिंग द्वारा मैं भी बोलना चाहूँगा कि ये हमने इसका आउटडोर जो पूरा किया देहरादून में किया, और 3 नवंबर को हमने शूटिंग शुरू की, और बड़ी यूनिट थी बॉम्बे से, इतने साले 150-200 लोग तो बॉम्बे से गए थे, फिर लोकल क्राउड। उसी वक्त देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उस वक्त, तो हमको आर्मी की परमिशन नहीं मिली, विदाउट आर्मी सपोर्ट हमने फिल्म बनाई। हमारे साथ एक आर्मी के कंसल्टेंट थे, एक आर्मी, तो वो बताते रहते थे। दूसरी चीज़, 8 तारीख को शूटिंग शुरू हुई, नवंबर को 8 तारीख को डीमोनेटाइजेशन हो गया, और हम देहरादून में थे। अगर बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे तो आप इंडस्ट्री ये सब एक दूसरे को जानते हैं, क्रेडिट चल जाता है, बट कैश तो चाहिए होता है शूटिंग में, आपको भाजी तरकारी लेनी होती है, रोज के डेली वर्कर्स को आपको देना होता पैसा, और हम देहरादून में हैं। किस तरह से किया है वो काम, मतलब मैं जिस यूनिट, मतलब जो मेरी यूनिट थी, मेरे असिस्टेंट्स, मेरे अकाउंट्स वाले, मेरे प्रोडक्शन वाले, मेरे सब ने, ऐसा लग रहा था कि सब ने पैदा ही ये काम करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, जिस शिद्दत के साथ मैंने तो अपने असिस्टेंट को बोल दिया था, सचिन को, मैंने कहा यार ये हो नहीं पाएगा, लेट्स पैक अप एंड गो। 3rd-4th दिन मैंने बोल दिया था, मैं कि ये नहीं हो पाएगी शूटिंग यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ लूजिंग और पैसा खर्च हो, इसके बदले वापस जाते हैं, जब ठीक ठाक हो जाएगा फिर आएंगे। ठीक है, 15-20-25 लाख आने जाने में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा नहीं, सचिन ने बोला नहीं आप करें रहेंगे, और दे प्रूव्ड इट, कर दिया। मुझको तो रोज़ शूटिंग करनी भी थी, शूटिंग प्रिपरेशन मैं थोड़ी करता था, वो तो सारे लोग करते थे, मुझको तो आके सुबह बॉस की तरह आके अपना काम एक्शन बोलना होता था, बट बाकी के प्रिपरेशन तो ये लोग करते थे। कैसे किया इन्होंने, उस डीमोनेटाइजेशन को कैसे झेला है, बहुत मतलब कमाल किया मेरी क्रू ने, मेरी पूरी यूनिट ने।
लेकिन इस नोट पर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कहकर इसे वाइंड अप करेंगे। अच्छी बातें इसमें चीज़ें होती रही गानों को लेकर, जैसे कि इसमें म्यूज़िक दिया है राणा मजुमदार ने, प्रीतम के असिस्टेंट होता था वो, और ऑलरेडी मेरी एक फिल्म के लिए म्यूज़िक कर रहा था, तो और बंगाली है तो जहाँ मैंने उसको बोला मैं राग देश सुभाष चंद्र बोस, तो थोड़ा और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं तो और मैंने कहा कदम बढ़ाया जा, जो कि आईने का एकदम आइकॉनिक सॉन्ग है, मैंने कहा इसका वर्जन कर। मेरे एक और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ रेवंत, यंग है लड़के और रहमान के स्कूल से पास आउट हैं, उनको मैंने बहुत शुरू में जब मैं गुरदीप सबल से मिला था बात हुई थी आईने की, तो मैंने कहा यार एक गाना तो सिद्धार्थ रेवंत मैंने तुम लोग कर देना, मैं भूल गया उनको, उन्होंने भी कुछ गाना किया है। इधर राणा ने अपना कदम बढ़ाया जा किया, फिर एकदम हम लोग शूटिंग से वापस लौट गए, आ गए, एडिट चला तो सिद्धार्थ रेवंत शर्मा क्या कि सर आपने वो 6 महीने पहले बोला था ना हम लोग कुछ करके लाए, मैंने कहा यार अब हो गया, कहते सुन लीजिए, अब उन्होंने सुनाया वो कदम कोड़ाए का एकदम डिफरेंट वर्जन था, एक सैडर वर्जन था, और मैंने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट वो ये बता एक अजीब सी डिवाइन सी बात थी कि वो गाना मैंने मुझको चाहिए नहीं था, उन्होंने दे दिया बना करके मुझे, और पिक्चर में यूज़ होता है और बहुत अच्छे मोमेंट्स पे आता है वो गाना। तो ये कई चीज़ें ऐसी हुई कि जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि मुझको रास्ते में एक लड़का मिल गया था मेरा पुराना NSD का जूनियर, जो ऐसा रकलूस सा घूमता रहता था बॉम्बे में, पैसे मांग लेता था, तो मैं गाड़ी से जा रहा था एक दिन, मैंने देखा रेड लाइट में आया मेरे पास, मैंने सीधे 100 रुपये निकाले जेब में हाथ आ गया, उसमें हाथ पकड़ते ही बोला सुभाष चंद्र बोस से पिक्चर बनाना, और कह के चला गया और मैंने कभी जहन में भी नहीं सोचा था कि सुभाष चंद्र बोस से बनाऊँगा मैं, क्यों बोल रहा है वो, और ये पिक्चर हो गई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आपको आप भूल गए थे, नहीं चाहते थे, हो गई, और पिक्चर पर उन्होंने को उभारा ही है, बेटर किया है फिल्म को। मेरा ख्याल है कि आपके लिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब आप समय में पीछे जाकर किसी एक कहानी को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हों, तो इस फिल्म में जो आर्ट डायरेक्शन है या जो इसकी सिनेमाटोग्राफी है उसको लेकर भी आप बहुत सेलेक्टिव होकर आपने ऐसे लोगों को लिया होगा जो आपके इस विजन को एग्जीक्यूट कर सकें। बहुत ज़्यादा ऐसे तो आपको मौका मिलता नहीं, आपको हिस्ट्री पे बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा पीरियड वाली फिल्म तो कोई पान सिंह तोमर बनाई थी, बट उसमें ज़्यादातर स्पोर्ट्स था और बीहड़ था, तो उसमें कोई ज़्यादा क्रिएट करना नहीं था, तो ऐसी मैंने कोई बनाई नहीं थी, एक्साइटेड था हमेशा पीरियड फिल्म बनाने के लिए। वो पहले बात तो वो लोग लिए जो हमारे बजट में आ सकें, क्योंकि अब ऐसा हमारे पास कोई 50-100 करोड़ का बजट नहीं था फिल्म को बनाने के लिए, तो आपको पहले, और दूसरी चीज़ हर फिल्म में आदमी इसलिए बनाता है टैलेंट से ज़्यादा कि कौन आपके साथ कोऑपरेट करके काम करेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए, टैलेंट 19-20 चलता है, क्योंकि फिल्म है ना, फिल्म तो बनते फिल्म के रिलीज़ के हफ्ता भर पहले तक बनती रहती है। तो जो कैमरामैन है ऋषि पंजाबी, जिसने कमाल का काम किया, मतलब इट्स एन अवार्ड विनिंग वर्क विच ही इज़ डन, उसके साथ ऑलरेडी मैं एक फिल्म अप कर चुका था, तो वो उसकी पहली फिल्म थी, तो ब्रेक मैंने दिया, उसने उस पिक्चर में भी बहुत अच्छा काम किया, 11 नाम है उसका, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी, तो उसको पता था कि हम लोग ये इस पिक्चर पर रिसर्च कर रहे हैं। ऑनेस्टली इस पिक्चर को लिखते वक्त और करते वक्त मैंने कई ऐसे लोगों को पूछा कि क्या करोगे, इवन राइटर्स, बहुत लोगों ने मना किया, सबको लगा बहुत टीडियस काम है इसमें, तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत करना पड़ेगा, तो कई लोगों ने मना किया, बट जब मैंने ऋषि पंजाबी जो कैमरामैन था उसको मैंने दी, उसने स्क्रिप्ट भेजा, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, पढ़ते ही उसने फ़ोन किया कि मुझको ये फिल्म करनी है, बिकॉज उसको देखिए हमारे देश में बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे फिल्मों में जिसमें आपको अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, ऐसी फिल्म में कॉस्ट्यूम वालों को अपना कॉस्ट्यूम करने का मौका मिलेगा, कैमरामैन वालों को अपना कैमरा काम दिखाने का मौका मिलेगा, मुझको मौका मिलेगा, बाकी रेगुलर जो रन ऑफ द मिल फिल्म होती है जिसमें 4 गाने होते हैं और ये एक पब का डांस होता है, उसमें क्या वही चीज़ बार बार तो कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें कौन सा ऐसी फिल्म कहाँ मिलती है करने को, जिंदगी में ऐसी फिल्म मिल जाए करने को बहुत बड़ी बात है, तो मुझे ये मौका मिला, और फिर हमने ऐसी पूरी यूनिट जुटाई जो कि बहुत इंटरेस्टेड थी अपना कला दिखाने के लिए, अपना शोकेस करने के लिए, तो वो मिलकर के ये फिर पिक्चर बनी है। और आर्ट डायरेक्शन के बारे में कुछ कहेंगे? धनंजय मंडल इसके आर्ट डायरेक्टर हैं, धनंजय के साथ मैंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, पान सिंह तोमर, साहिबी वी गैंगस्टर दोनों Part 1 Part 2, बुलेट राजा, तो उसके साथ एक मेरी ट्यूनिंग है बहुत अच्छी, और कलकत्ता का है, आर्ट कॉलेज का पास आउट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है,
तो उसने पूरा, पहले तो हमने ट्रायल रूम का सेट ही बनाया, तो पहला सेट पे ही, आउटडोर लोकेशन पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, आपको सेट का काम आता है कि नहीं, तो उसने पहला ही सेट जो हमने शुरू की थी शूटिंग में बहुत अच्छा बनाया था सर, बहुत ऑथेंटिक था। तो और उसने भी बहुत ही एक बजट में मेहनत करके ये काम किया है, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई HODs। तो बहुत बहुत शुक्रिया तिग्मांशु, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, कुणाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत आभार कि आपने इतना वक्त हमारे लिए दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो फिल्म आ रही है वो दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ थे राग देश फिल्म के निर्देशक और उसके दो एक्टर्स मोहित और कुणाल। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर, और देखिए राग देश जल्द ही। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Judgment shall be remembered through